बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन कढ़ाई। उसके लिए हमने पतीली ली है और इसमें हम घी डाल रहे हैं। तकरीबन 200 ग्राम घी डालना है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा हम इसमें मुर्गी डालेंगे। और 1 किलो हमने मुर्गी ली है, हमने उसको धो के उसका पानी निकाल लिए। अभी हम मुर्गी शामिल कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और साथ ही अभी हम हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। 5-6 अदद हरी मिर्चें डालेंगे और अदरक लहसुन डालेंगे। एक साथ भून लेना है और इतना भूनना है कि मुर्गी का अपना पानी सूख जाए और तेल ऊपर आ जाएगा। अभी हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको ढक देना है ताकि मुर्गी हमारी गल जाए। इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह इसको भून लेना है। दही हमने डाल दिया और अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पर ढक देना है। मुर्गी हमारी गल गई। और हमने मसाले लिए हैं। साबुत धनिया हमने लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून। कुटी मिर्च लिए हम लाल 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया हमने भुना कुटा हुआ 1 टीस्पून। वाइट पेपर लिया है 1 टीस्पून। और खोपरा हमने लिया है 1 टीस्पून। और नमक हम लेंगे 1.5 टीस्पून। ये सेंटर में नमक है, नमक हमने लिया है 1.5 टीस्पून। हम मसाले सारे शामिल कर देते हैं। और अभी हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे ही हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे देखेंगे कि अब यहाँ इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। और हम इसमें मिल्क पैक क्रीम डालेंगे। गार्निश के लिए हम अदरक लंबा लंबा काट के रखा है और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और अदरक डालेंगे। इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, इस तरह अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। और अभी हम मिल्क पैक क्रीम शामिल करेंगे। 1 किलो हमने मुर्गी ली है, 1 किलो से थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा है। और हमने पूरी मुर्गी ली थी और इसमें हम एक पैकेट पूरा डाल देंगे मिल्क पैक क्रीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिल्क पैक क्रीम हमने डाल दी है और इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। और अभी हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे रख देंगे। आप चाहें तो इसको ढक भी सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। दो मिनट पकाने के बाद और ऊपर से हम हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे।
माशाल्लाह से हमारी वाइट कढ़ाई तैयार हो चुकी है।